स्पेनिंग डिपार्टमेंट में था सुनील जोशी, इसका रात में एक्सीडेंट के दौरान मृत्यु हो गई और कंपनी वालों ने हमें बताया नहीं। एक्सीडेंट तो वहाँ 6-7 बजे हो गया था, हमको ये सूचना मिली 9-9:30 बजे, तब हम आए। जब आए तो हमने देखा तो यहाँ हमारे से पहले यहाँ के ग्रेसिव के नेता लोग खड़े थे, फिर हमारे उसके बीच में कुछ वाद विवाद हुआ और हमने अपनी शर्त रखी कि नेता रहेंगे तो बात नहीं करेंगे मैनेजमेंट से। तो आज वो चर्चा हुई तो हमने फिर कंपनी ने एक शर्त रखी कि ग्रेसिंग का एक नेता कोई सा भी आप रख लो, तो जगमान सिंह जी को रखा और अभी बात बात हुई तो ये इन्होंने बोला कि एक्सीडेंटल में हम 10 लाख रुपये देंगे और जो जो सारी मांगे मानी तो उस पर हम एग्री हो गए। हमने हमारी एक मांग रखी कि जब बच्चे छोटे छोटे हैं तो उसके पढ़ाई का खर्चा कैसे चलेगा, तो पढ़ाई के लिए हमने तो मैनेजमेंट को बोला, तो अभी वो मैनेजमेंट से चर्चा करने गए, उसके बाद आएंगे तो बता रहे हैं। ये बात जो मृतक जोशी जी है कितने सालों से कार्यरत हो गए, इसको 8 साल 10 साल हो गए, 10 सालों से काम करते थे स्पिनिंग विभाग में और वहाँ पर जिंक नाम की गैस है, उस गैस के चपेट में आने से इनकी जिंक का 15% उपयोग कर रहे मृत्यु हो गई। जबकि और मृत्यु होने के बाद में मृत्यु होने के बाद में फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा हमें बिना सूचना दिए यहाँ पे जनसा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और वेंटिलेटर पर रखा गया, जबकि उनकी मृत्यु प्लांट में ही हो गई थी, यहाँ पे भर्ती करा दिया गया। यहाँ पे फैक्ट्री का तमाम जो मैनेजमेंट के जो नेता हैं, ये वर्करों के मतलब मजदूरों के हितों की बात करने वाला फैक्ट्री गेट पे, वो हमसे परिजन से पहले वो यहाँ पे पहुँच गए गेट पे और उस मामले को पूरी लिपापोती करने में लग गए और हम पर दबाव बनाने लग गए कि ऐसा नहीं ऐसा था, ऐसा नहीं ऐसा था, और यहाँ पे पूरा वेंटिलेटर पे उसको रखा, जबकि वो वही फैक्ट्री में मृत हो गया था और हमको यहाँ पे बताया गया कि इसको अटैक आ गया है। और वो भी जब हम पास में पहुँचे यहाँ पे मतलब करीब वो 7-7:30 बजे मृत्यु हो गई थी, लेकिन हमको 9:30 बजे रात्रि 9:30 बजे के बाद में सूचना दी गई कि आपके ये भाई की यहाँ पे जनसभा में लाए हैं और वेंटिलेटर पे है और बोले अटैक आया है। अच्छा, ये ड्यूटी पे कब आए थे? ये ड्यूटी पे 3 से 11 की ड्यूटी थी दोपहर की। अच्छा, हाँ, तो 3 से 11 की ड्यूटी थी और शाम को 7:30 बजे के करीब ऐसा जो उनके साथी थे उन्होंने बताया अंदर प्लांट में, बोले सर इनको गैस लगी और वहीं मृत्यु हो गई थी, लेकिन फैक्ट्री वालों ने इसको अपने हिसाब से नॉर्मल थे कि इनकी पहले भी नॉर्मल तबीयत खराब थी, तबीयत तो खराब चलती रहती है लेकिन इस टाइप की तबीयत खराब नहीं होती, ये तो अटैक पहली बार आया है। पूर्व में इनके पिताजी भी उसी डिपार्टमेंट में उसी जगह पर काम करते थे और उनकी भी संदिग्ध परिस्थितियों में इसी तरह से मृत्यु हुई थी। उनका नाम था स्वर्गीय नेमीचंद जी जोशी, स्पिनिंग विभाग में ग्रेसिव फैक्ट्री में कार्य, और ये भी उनकी जगह अनुकंपा नियुक्ति पर लगे थे, उनको भी उसी मशीन पर रखा गया। और ये सिर्फ जिंक की जो गैस है उसकी वजह से ये अभी यहाँ पे फैक्ट्री में कितनी बार ऐसे हादसे हो चुके हैं, लेकिन ये 3 मर गए अभी हाल फिलहाल में महीने भर के अंदर 3 शांत हो गए, लेकिन फैक्ट्री के ये जो मजदूर का हित रखने वाले नेता ये लिपापोती करके उस पूरे मामले को दबा देते। अभी हमारे पास भी रात को यहाँ पे आए थे नेता लोग, वो उस पूरे मामले को दबाने की कोशिश में लगे हुए थे कि जैसे तैसे ये मामला, वो तो हम परिजन नहीं माने कि हमें, क्योंकि हमें पूरी तरह से आदमी जब घर से स्वस्थ होकर निकला है फैक्ट्री जाने के लिए तो अचानक से मृत कैसे हो गया, और मृत हो गया तो हमारे को तुरंत सूचना क्यों नहीं दी गई, लेकिन ये इसका कोई भी जवाब नहीं दे रहे और अलम टालम कर रहे हैं। आपकी मांग है जो है अगर वो नहीं मानी गई तो आप क्या करेंगे? हम डेड बॉडी नहीं लेंगे और हम इन फैक्ट्री प्रबंधक के सुरेश जी और तमाम पदाधिकारी और तमाम ये मजदूरों के हितों के संरक्षक ये झूठे झूठले नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे और इन पर 302 और 307 का मुकदमा दर्ज कराएंगे। जो मृतक जोशी जी कहाँ रहते हैं और उनके परिवार में कौन कौन लोग हैं? ये मृतक जोशी जी मेरा मामा का लड़का है और ये सिंगल अकेला लड़का है, मतलब पिताजी तो शांत हो गए, माताजी भी शांत हो गई, पिता ये फैक्ट्री में हादसे में शांत हो गए, और ये दो लड़कियां हैं इनकी छोटी छोटी, एक 8वीं पढ़ती है, एक 5वीं पढ़ती है, और लड़का है वो 10वीं क्लास में पढ़ रहा है। अब इनके परिवार में कमाने वाला कोई भी नहीं है और ना ही कोई वरिष्ठ आदमी है, ये एक माँ है और ये 3 बच्चे हैं, इनका लालन पालन पोषण करने वाला कोई भी नहीं है। क्या मांग क्या है आपकी? हमारी मांग ये है कि बच्चों का भविष्य जब तक ये ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले तब तक इनकी पढ़ाई पूरी तरह से हो, परिवार को आर्थिक मदद दी जाए, जो इनको फैक्ट्री में जो सैलरी मिलती थी मेरे भाई सुनील, स्वर्गीय सुनील जोशी को, वो सैलरी कंपनी द्वारा ऐसी कैसी इनको परिवार को प्रदान की जाए, और जो भी फैक्ट्री से हित लाभ जो भी मिलते हैं वो इन्हें दिया है, इनका बच्चों का भविष्य सुरक्षित करें और परिवार का लालन पालन पोषण सही साठ हो, हम ये मांग चाहते हैं।
दुर्घटना हुई है जी, क्या है पूरा मामला सर? एक सुनील जोशी करके है, जिसकी उम्र करीब 44 साल की है, वो यहाँ का एक परमानेंट कर्मचारी था। तो वो कल फैक्ट्री में काम करना आया था, पहले से बीमार बताते उसको परिजन, उसका फैक्ट्री वालों का कहना है कि पहले से बीमार था या वो इलाज यहाँ फैक्ट्री में काम करने के लिए आया था। इलाज के दौरान, काम के दौरान उसकी तबीयत खराब हुई थी, तो उसको इलाज हेतु जनसेवा अस्पताल में भर्ती किया था कल। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई कल शाम को। आज तहरीर प्राप्त हुई अस्पताल से, अपना तहरीर पर से अपन ने मर कायम करा है। मर कायम करने के बाद उसका PM करवाया जा रहा है और जांच में जैसा आएगा वो बताया जाएगा। नहीं, परिजनों का यह कहना है कि वहाँ एक्सीडेंट हुआ, संबंध ना कोई नहीं, ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ है। वो फैक्ट्री में काम के दौरान पहले तबियत खराब हुई, तो तभी बता पाएंगे हम उसका मर का जाए, मर PM हो जाए, PM के बाद जो भी आएगा हम बताएंगे। सर अनुकंपा या कुछ मुआवजे की कोई बात हुई क्या? जी, उनका परिजन का ये कहना है कि इसका PM तभी करवाएंगे हम, जो प्रबंधक है उसका, वो हमें बताया कि हमें क्या मिलेगा, इसके किसको क्या नौकरी होगी, इस संबंध में उनकी चर्चा चल रही है उनसे, प्रबंधक से। और जैसे उनकी चर्चा है उसका मर के अपन PM करा के लाश उनको परिजन को सौंपेंगे और जांच में होगा वो हम आपको बताएंगे।